चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगातार तैयारियों में जुटी है। जहां एक तरफ राजद गठबंधन और जदयू गठबंधन लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही हैं, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा कई पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक यूडीए का निर्माण कर लगातार पूरे बिहार में घूमकर जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यूडीए जन संवाद कार्यक्रम के तहत सिवान पहुंचे थे, जहां सिवान के महादेवा स्थित पवित्र बंधन मैरिज हॉल में एक जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और सिवान के बड़िया विधानसभा से उभरता हुआ युवा नेता मोहम्मद तौसीफ को जनता दल राष्ट्रवादी बिहार का युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोहम्मद तौसीफ और बंटी को बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लोग परेशान है, इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। आते आते हम उनसे अलग हो गए। मुद्दा है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का नारा है, बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार। और बेहतर बिहार बनाने के बारे में उसके उद्देश्य क्या होंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, इस सब के ऊपर काम चल रहा है। वो जो कागज़ तैयार हो जाएगा डॉक्यूमेंट हम आपके सामने रखेंगे। नहीं देखिए, हम आपसे एक बात बहुत साधारण ढंग से कहना चाहेंगे। आज का अखबार ले लीजिए, कल का ले लीजिए, परसों का ले लीजिए, हर दिन सरकार की तरफ से और जो एनडीए गठबंधन है उसकी तरफ से घोषणाएं होती है ना। क्या होती है? अगले 5 साल में हर खेत में पानी पहुंचा देंगे, अगले 5 साल में हम हर जिला हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ देंगे, अगले 5 साल में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारा आपका हक बनता है कि हम उनसे पूछें कि भाई 15 साल वक्त मिला आपको, आपने ये सब काम क्यों नहीं किया, क्या दिक्कत है कि आप ये हर खेत को पानी नहीं पहुंचा पाए, सड़कें नहीं बना पाए, क्या दिक्कत है? तो इसलिए 15 साल राज करने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में उसके बाद भी कोई कहे कि हमको 5 साल और दो तो हम ये काम करेंगे, शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी खाली पड़े हैं, अब जाके उसका नियमावली बन रहा है, निकलता है फिर होता है चेंज होगा, 400 अंचल अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया, मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया, रोकने के बाद फिर सुन रहे हैं कि नहीं कुछ लेन देन हो गया है, अब आगे सब कुछ ठीक ठाक होगा। भारी भयंकर भ्रष्टाचार है इसमें और इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल। जी इरादा तो हम लोग का ही है कि सारी सीटों पर हम चुनाव हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारे दल हैं अलायंस में, इसलिए तो हम लोगों ने अपने गठबंधन का नाम रखा है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो मैं जब भी कहीं गलत हुआ है मैंने गलत को गलत कहा है। नीतीश कुमार के ही कैबिनेट में नहीं था मैं, लालू यादव के कैबिनेट में भी था और मैं स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया जब उन्होंने राम सुंदर दास के साथ बदसलूकी की और जब इनके रास्ते भटक गए थे चारा घोटाले वालों के साथ, तब भी मैंने 1992 में इस्तीफा दिया और फिर मैंने नीतीश कुमार की हुकूमत बनाई है। हम 22 MLA लेकर लोक जनशक्ति से हम अध्यक्ष थे, हम लेकर निकले और तब इनको मदद किया, ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और आज फिर ये जब मांझी को बेइज्जत कर रहे थे तब हमारा विरोध इनसे शुरू हुआ है और आज नीतीश कुमार चाटुकार दलाल बेईमान चोर तमाम अपराधी किस्म के लोगों से घिर गए हैं, जिस कारण आज हम उनके खिलाफ खड़े हैं। और जो लोग भी गलत होंगे, हम JP के अनुयायी हैं, लोहिया और गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो भी गलत होगा, भ्रष्टाचारी होगा, अन्यायी होगा, निरंकुश होगा, हम उनके खिलाफ
बराबर बगावत का झंडा बुलंद किया है और आगे भी हम उनके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते रहे। नीतीश कुमार के साथ हम काम किए हैं और नीतीश कुमार लगातार दावे करते हैं कि बिहार में 15 साल में काफी विकास हुआ, मानते हैं कि विकास हुआ है? अगले शुरू के 5 सालों में कुछ काम हुए, 5 सालों के बाद विगत के 10 वर्षों में काम जीरो हुआ है और यहाँ 10 वर्षों में शापलू चाटुकार दरबारी भ्रष्टाचारियों के चंगुल में नीतीश कुमार फंस गए हैं। और आपको मालूम है कि इसी से हमारी लड़ाई 2013 से शुरू उनसे हुई। UDA एक संगठन का JDR का प्रदेश युवा अध्यक्ष मुझे बनाया गया और बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे मौका मिला। देखते हैं कि इस पर हम कैसे काम करते हैं, एक संगठन के साथ कैसे वर्क करते हैं पूरा बिहार के, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी के साथ बिहार प्रदेश संगठन सचिव मुझे बनाया गया, प्रदेश युवा अध्यक्ष बनाया गया मुझे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए मेरे कुछ अदर लीडर आए हुए थे, लोगों से बात हुई, अभी संगठन नहीं है, इस पर काम चल रहा है। अभी फिलहाल मुझे प्रदेश युवा अध्यक्ष बनाया गया, आगे जैसे मुझे गाइडलाइन मिलेगा वैसे हम काम करेंगे। क्या लग रहा है आप इस पार्टी से बड़ौजा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये क्लियर हो गया, ये तो